हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे पास चोपसा है। दोस्तों, इसमें आज हम दो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम हमारा रहेगा लीकेज। दोस्तों, अगर इसमें आपको करंट मारता है, अगर इसमें लीकेज आता है तो आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम हमारा आता है, अगर ये उल्टा चलता है तो आप इसको सीधा कर सकते हैं। उल्टा चलने पर दोस्तों इसका स्पार्क हमारे मुंह की तरफ आता है, तो इसका हम दोस्तों चाल को पलटेंगे। दोस्तों, इसको हम सीधा करेंगे। दोस्तों, ये हमारे पास कॉन्टीन्यूटी है, इससे हम चेक करेंगे। दोस्तों, कॉन्टीन्यूटी सबके पास होना ज़रूरी है। दोस्तों, इससे चेक करना बिल्कुल आसान है। अगर दोस्तों ये हमारा बल्ब जलता है तो इसका मतलब सही है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका स्विच को डायरेक्ट कर देंगे। दोस्तों, यहाँ एक पुश बटन रहता है, तो स्विच को दाब के पुश बटन को दाब दो तो ये डायरेक्ट चलता है। तो ये हमारा डायरेक्ट हो गया है। अब हम कॉन्टीन्यूटी से चेक करेंगे। दोस्तों ये हमारा बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा अभी सही है। तो अब हम ऐसे ही चेक करेंगे इसका लीकेज। दोस्तों, करंट चेक करेंगे। उससे पहले दोस्तों, सबसे पहले हम एक वायर में लगा देंगे कॉन्टीन्यूटी को, और दूसरी हम बॉडी में लगा देंगे। कहीं पर भी लोहे की बॉडी में लगाएंगे, उससे हमारा चेक हो जाएगा कि करंट आता है कि नहीं आता है। तो दोस्तों, हमने इसको चेक कर रहे हैं, तो ये हमारा बल्ब नहीं जल रहा है। तो इसी तरह दोस्तों, अगर जलेगा तो इसमें करंट आएगा, और नहीं जलेगा तो करंट नहीं आएगा। इसी तरह दोस्तों, हम सीरीज से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमने कॉन्टीन्यूटी से चेक करके बताया है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें का हम कार्बन निकाल लेंगे। दोस्तों, इसमें दो कार्बन होते हैं, इसको हम दोनों को निकाल लेंगे कार्बन। उसके बाद इसको हम आर्मेचर को निकालेंगे। अगर दोस्तों हम कार्बन नहीं निकालेंगे तो हमारा आर्मेचर को पकड़े रहेगा, और आर्मेचर जल्दी बाहर नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कार्बन ही निकालते हैं। दोस्तों, अब हम इसका ब्लेड खोलेंगे। इसको दोस्तों हम 17 का स्पैनर से खोलेंगे। दोस्तों, ये हमारे पास 17 का स्पैनर है, इससे हम दोस्तों खोल लेंगे। और दोस्तों, जैसे ये घड़ी चलती है, इसका उल्टा खुलता है दोस्तों, तो इसको हम खोल लेंगे। ये घड़ी का उल्टा खुलता है दोस्तों। अब दोस्तों, इसमें 4 स्क्रू लगे हैं, इसको भी हम स्क्रू ड्राइवर से खोल लेंगे। अभी दोस्तों, ये हमारा खुल गया है। अब इसको कवर को भी हटा देंगे, और दोस्तों इसके ऊपर दोस्तों ये हमारा रखा है, इसको भी हम हटा देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, इसमें आर्मेचर लगा है, तो हम स्क्रू ड्राइवर से इसको ऊपर को उठाएंगे, तो ये हमारा आर्मेचर बाहर आ जाएगा। अभी हमारा दोस्तों आर्मेचर बाहर आ गया है। अब हम इसको चेक करेंगे दोस्तों कि इसमें लीकेज है कि नहीं। दोस्तों, आप भी इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास कॉन्टीन्यूटी है, इससे हम चेक करेंगे कि ये हमारा आर्मेचर लीकेज है कि नहीं, कि हमारा करंट मारता है कि नहीं मारता है। दोस्तों, इसमें चेक करेंगे कि दोस्तों करंट आता है कि नहीं आता है, तो कॉन्टीन्यूटी से हम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक कॉन्टीन्यूटी का पॉइंट हम कम्यूटेटर की तरफ लगाए हैं, और दूसरी पॉइंट हम लोहे की तरफ लगाए हैं, तो ऐसे हमारा पता चल जाता है कि ये सही है कि नहीं। दोस्तों, इसमें अभी करंट नहीं आ रहा है, इसलिए ताकि ये हमारा बल्ब नहीं जल रहा है। दोस्तों, अगर ये बल्ब जलता तो इसमें करंट आता। ऐसे ही दोस्तों, हम आर्मेचर को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमारा आर्मेचर चेक हो चुका है। अब हम दोस्तों चेक करेंगे इसका फील्ड कॉइल। दोस्तों, उससे पहले इसमें दोस्तों दो स्क्रू लगे हैं, तो इसको हम खोल लेंगे, और यहीं से हम चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने कॉन्टीन्यूटी टेस्टर को ले लिया है, इसी से हम दोस्तों चेक करेंगे। दोस्तों, इसमें का हम एक पॉइंट कार्बन की तरफ लगा देंगे। दोस्तों, कार्बन जिधर लगता है उधर कार्बन होल्डर की तरफ लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों, हम इसको दूसरा पॉइंट को हम लोहे की तरफ लगाएंगे, या कोई स्क्रू के पास लगा देंगे, तो ये हमारा पता चल जाएगा। दोस्तों, एक कॉइल की तरफ हमने चेक कर लिया है, अभी हम दूसरी कॉइल की तरफ चेक करेंगे। तो दोस्तों, ये एक पॉइंट हमारा कार्बन होल्डर की तरफ है, और दूसरा पॉइंट हमारा लोहे की तरफ है, या स्क्रू ड्राइवर से आप लगा के चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा कॉइल सही है, और इसमें लीकेज नहीं है।
दोस्तों अभी हमने फील्ड कॉइल को बाहर निकाल लिया है। दोस्तों ज़्यादातर अगर लीकेज हुआ या करंट आता है तो हमारा फील्ड कॉइल सही आता है। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाते हैं कि फील्ड कॉइल में लीकेज कहाँ से आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जहाँ स्क्रू ड्राइवर है यहाँ पर एक पेपर लगा है। तो दोस्तों यहीं पर पेपर हमारा ख़राब हो जाता है और लोहे से टच हो जाता है, तो इसीलिए हमारा लीकेज आने लगता है। तो दोस्तों ऐसे ये दूसरा साइड हमारा है, यही हमारा पेपर कट जाता है और गल जाता है, तो ये इसमें लोहे में टच हो जाता है तो हमारा लीकेज आने लगता है। तो दोस्तों आप इसमें पेपर लगा सकते हैं और इसका लीकेज भी ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे पीवीसी आप लगा देंगे तो इसका लीकेज ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं आर्मेचर को और फील्ड कॉइल को। दोस्तों अब हमारा प्रॉब्लम नंबर दूसरा, दोस्तों अगर आपका ये उल्टा चलता है तो आप इसको सीधा कर सकते हैं। दोस्तों इसमें दो स्प्रिंग लगी होती है, दोस्तों ये हमारी स्प्रिंग को चेंज करना होता है। जैसे हमारा ये इस होल्डर में लगा है तो इसको हम निकाल कर हम दूसरे होल्डर में लगा देंगे। दोस्तों स्प्रिंग का पोजीशन को हमको चेंज करना होता है। अगर हमारा दोस्तों कार्बन की स्प्रिंग इधर लगी है वन साइड, तो हम इसको निकाल कर हम दूसरे साइड को लगा देंगे। ऐसे लगा देंगे तो यह हमारा सीधा चाल हो जाएगा। दोस्तों अभी हमारा स्प्रिंग का पोजीशन चेंज हो गया है, अब हम इसको दोस्तों फिट कर देंगे आर्मेचर को। जब से दोस्तों इसको हम फिट कर रहे हैं, आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया है, अब हम इसको चलाकर चेक करेंगे और इसके ऊपर हाथ भी रखकर चेक करेंगे कि हमारा लीकेज आता है कि नहीं। दोस्तों अब हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा उल्टा चलता है कि सीधा। दोस्तों ये हमारे पास एक रॉड है लोहे की, तो दोस्तों अब इसको हम चलाकर चेक करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा अभी सीधा चल रहा है। दोस्तों ये उल्टा चलता है तो हमारी तरफ ही स्पार्किंग आता है।
तो दोस्तों ये हमारा अभी सीधा चल रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट कर देना। तो दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।